हेलो एवरीवन, इन टुडेज इन दिस वीडियो पर्टिकुलरली विल बी डिस्कसिंग अ केस फॉर नॉन क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स एंड विल आल्सो कवर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट। सो विल बी डिस्कसिंग ऑल दी पार्ट्स एंड आफ्टर दिस वीडियो विल बी हैविंग वन मोर वीडियो इन विच विल बी कंप्लीटिंग दी चैप्टर। So let us start. Like in the first video, we discussed the last question for cumulative sinking fund. Now we are discussing for non-cumulative sinking fund. मैंने कहा था non-cumulative fund अंदर क्या होता है कि कोई interest और कोई भी आपका जो investment है वो accumulate नहीं होती। हम same year account बनाते हैं और उसी year हम investment को बेचकर हम उसके जो debentures की value होती है उसको realize कर देते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, in non-cumulative sinking fund the annual appropriation from surplus is more since the interest on sinking fund investment is low not reinvested। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि हम सरप्लस हमें ज्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि हम जो इंटरेस्ट आता है हम उसको री इन्वेस्ट नहीं करते। बट द एक्सेस बर्डन इज न्यूट्रलाइज बाई ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नॉन क्यूमुलेटिव का तो वहां पर ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी होंगी, हम उन इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करेंगे और अमाउंट पे कर देंगे। देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन, ऑन 30 जून 2012 द फॉलोइंग बैलेंसेस स्टोर्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। 8% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर स्टॉक, एक ही बात है 8% डिबेंचर 2 लाख रुपीज। आपने सिंकिंग फंड बनाया हुआ है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड 2,13,080 रुपीज का बना हुआ है। आपने ये सारी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, इसके अंदर आपने देखो 70,000 की इन्वेस्टमेंट की है, 80,000 की इन्वेस्टमेंट की है, 60,000 की इन्वेस्टमेंट की है, 16,000 की इन्वेस्टमेंट की है, जगह जगह पे की हुई है, बैंक लोन, यूपी वाटर बॉटल लोन, लेकिन उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू आपकी ये है, फेस वैल्यू ये थी लेकिन आपने उसको खरीदा कौन सी वैल्यू पे, आपकी बाइंग वैल्यू ये होगी। ऑन द सेम डे द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, आपने ये इन्वेस्टमेंट बेच दी क्योंकि डिबेंचर रिडीम होने हैं। इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड्स को आपने पार पे बेचा, पार मतलब जितनी वैल्यू दी हुई है उतने पे, पार मतलब 70,000 की तो 70,000 में बेचा। 5% लोन, ये जो 5% लोन है इसको आपने 91 रुपीज में बेचा, तो हम एज्यूम करते हैं कि सबकी वैल्यू 100 रुपीज होती है, डिबेंचर की सबकी वैल्यू फेस वैल्यू 100 रुपीज होती है, हम वैसे भी एज्यूम करते हैं, तो हमने 9% डिस्काउंट पे बेचा। 8% लोन को हमने 109% प्रीमियम पे बेचा और 7% लोन को हमने कितने पे बेचा, 103, तो मतलब 100 रुपए का हो तो 3 रुपए फालतू बेच रहे हो तो 3% का प्रीमियम हो गया। ऑन 1 जुलाई डिबेंचर्स वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब हमने ये सारे अकाउंट बनाने हैं, हमने राइट आउट दी अकाउंट। वैसे ये तो अकाउंट जो प्रीमियम का है और ये जो डिबेंचर होल्डर का है जो बेफिजूल का अकाउंट है बनता नहीं है, मेन वही हमारे अकाउंट बनेंगे। कौन से अकाउंट थे, जैसे वहां पे भी डिबेंचर अकाउंट था, सिंकिंग फंड था, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट था, तो वही बनेगा, ये 3 अकाउंट ही मेन है हमारे। चलो फिर भी हम बना लेते हैं, इन्होंने बोला है तो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम 30 जून डिबेंचर का बैलेंस कितना पड़ा है हमारे पास, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए इसमें हम एक्यूमुलेट कर ही नहीं रहे, तो हमें वेरियस ईयर्स का बनाना ही नहीं है, तो हमने इसके अंदर क्या करा, 2 लाख रुपए, तो हमने कौन सी 30 जून को पे करना है, तो 2 डिबेंचर होल्डर के नाम पे 2 लाख रुपीज लिख हमने। फिर हम फंड पे आ गए, फंड का बैलेंस हमारे को कितना दे रखा है 30 जून का, 2,13,080, तो 2,13,080 लिख दिया। इन्वेस्टमेंट हमारा इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस होगा, इन्वेस्टमेंट की बैलेंस हमारे कितनी दे रखी है आज की, गेरी वैल्यूज, तो ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी। हमने क्या बोला था, जब हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो पहले सारी इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, तो देखो कितने में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड पार पे बिक रहे हैं तो बाय बैंक अकाउंट 70,000, इलेक्ट्रिसिटी तो ये 70,000 में ही बिक रही है। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, ये जो आपको ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, यूपी वाटर बोर्ड लोन आपका कितने में जा रहा है, 91, तो मैंने बोला फेस वैल्यू कितनी होती है हमारी, 80,000 डिवाइड बाय 100, तो 800 हो गया इंटू 91, तो कितने का बिकेगा ये, 72,800, ये ऐसे आएगा, वरना 91% 9100 टोटल फेस वैल्यू होती है, 91 बोल रहा है तो इसका सिंपल मतलब कितना हो गया 91%, तो 80,000 का 91% निकाल दो तब भी वैल्यू सेम ही रहेगी 72,800। 60,000 वाले जो बॉन्ड है ये 109 रुपए के बिक रहे हैं, तो सेम 600 × 109, तो कितने रुपए आ गए, 65,400। सेम 60,000 वाले 3 रुपए महंगा बिक रहा है, तो 3% प्रीमियम पे बिक रहा है, तो 160, क्योंकि 16,000 डिवाइड बाय 100
160 इंटू 103 103 रुपये में बिक रहा है, तो 16,480। तो अब चेक करोगे इसका टोटल ये बन रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर इस तरफ बच रही है। तो ये बैलेंसिंग याद, तो ये बैलेंसिंग फिगर आप किसमें ट्रांसफर कर दोगे, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी 11,600 की, तभी इन्होंने बोल्ड की हुई है। और याद है जब हमने पिछली वीडियो जब डिस्कस करी थी वहां पर 453 का लॉस इस तरफ आ रहा था, तो वो उस सिंकिंग फंड में इस तरफ ट्रांसफर हुआ था 453, लेकिन इधर प्रॉफिट ये आ रहा है तो ये इधर ट्रांसफर हो गया 11,600। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। और साथ में उसने क्या बोला, डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम होंगे, तो वो भी हमारा लॉस हो गया। तो लेट्स सी इसको कैसे ट्रीट करना है। ये अकाउंट तो बन गया था पूरा 2,13,080, 11,600। अब हमने प्रीमियम पर रिडीम करना है, तो देखो इन्होंने प्रीमियम अकाउंट बनाया हुआ ये रहा कि डिबेंचर फंड, क्योंकि फंड से ही निकालेंगे ना पैसा, तो फिर पे करने का प्रीमियम पे, तो 10,000 रुपये प्रीमियम के जाएंगे। तो ये लिखा देखो इन्होंने, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड 10,000 फंड से निकाले और डिबेंचर होल्डर को पे कर दिए। डिबेंचर होल्डर का इन्होंने अकाउंट बनाकर दिखाया हुआ है, 2,00,000 रुपये आपको डिबेंचर होल्डर के यहाँ से आ गए, 10,000 रुपये डिबेंचर होल्डर के प्रीमियम के पे करने, तो टोटल आपको पे कितना करना है, 2,10,000। तो आपने डिबेंचर होल्डर को 2,10,000 पे कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए टोटल वैल्यू ये थी, 10,000 आपने प्रीमियम में एडजस्ट कर दिए क्योंकि लॉस था वो हमारा। आपको पता था कि डीआरआर का सारा पैसा हम किस में ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व में। तो हमने यहाँ पर देखिए जनरल रिजर्व में जो बैलेंस बचा, तो इन दोनों को मिला के, अच्छा 11,600 हमारा कैपिटल रिजर्व में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कैपिटल रिजर्व में वो प्रॉफिट जाता है जो हमारा नॉन ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है, तो ये हमारा ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं था। तो ये जो 11,600 आया, तो 11,600 पूरा का पूरा यहाँ ट्रांसफर हो गया, और 2,13,080 में से आपने 10,000 रुपये राइट ऑफ कर दिए प्रीमियम के। तो आपका जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, 2,03,080। तो सेम पॉइंट आएगा, 2,03,080 ये कैपिटल रिजर्व है और प्रीमियम हमने राइट ऑफ कर दिया। इसके अंदर में सिर्फ सिर्फ उस दिन की एंट्री करनी होती है जिस दिन डिबेंचर रिडीम हो रहा है। इसके अंदर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं आते कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, उसमें क्या होगा, ये वाला पॉइंट है इसके अंदर। और वैसे भी इसमें आपको पता होना चाहिए कि फंड से पैसा पे कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट तो सोल्ड कर दी, इसका प्रॉफिट आ गया ट्रांसफर कर दिया, ये टोटल आ गया। हमने ये डिबेंचर 2,00,000 के दिखाए क्योंकि प्रीमियम अलग होता है, प्रीमियम अलग हम डिबेंचर अकाउंट में नहीं शो करते। हमें पे कितना करना था, 2,10,000, तो प्रीमियम का 10,000 का लॉस हो गया, तो ये लॉस हुआ। तो ये फंड से ही निकालेंगे हम पैसा और डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया। तो ये हमारा बस मेन पॉइंट ये है, कैपिटल रिजर्व याद रखना, दिस वुड बी बैलेंसिंग फिगर। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम रहेगी। ये पिछली वीडियो में इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वहां लॉस था, तो लॉस तो कैपिटल रिजर्व में कभी ट्रांसफर करता ही नहीं है। तो कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। देन वी आर स्टार्टिंग फॉर कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स। इसके भी दो क्वेश्चन है हमारे, लेट अस डिस्कस ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्या है। जैसे मैं आपको एक टाइम देता हूँ कि हमारे डिबेंचर की लाइफ 5 ईयर्स है, लेकिन आप, मैंने आपको ऑप्शन दिया कि आप 3 साल के बाद कभी भी शेयर में कन्वर्ट करवा लेना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है ये वाला। ऑन 1 अप्रैल 2011 अंजू लिमिटेड इशूड 2,000 डिबेंचर्स ऑफ 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹500 ईच एट ₹475 ईच टू बी रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2014। डिबेंचर होल्डर एड एन ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू 13% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर। तो मतलब डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो 13% प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन हम वो प्रेफरेंस शेयर हम उनको प्रीमियम पे इशू करेंगे। ऑन 31 मार्च 2012, मतलब आप एक चेक कर लीजिए, 1 साल के बाद ही वन ईयर इंटरेस्ट हैज बीन अक्रूड ऑन दीज डिबेंचर, अक्रूड मतलब हमने पे नहीं किया एंड रिमेन्स अनपेड। तो जब हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो 100 डिबेंचर होल्डर्स थे या जो जिनके पास 100 डिबेंचर्स थे, उन्होंने हमारे को इंटेंशन मतलब दे नोटिफाइड अस कि कन्वर्ट अस इनटू होल्डिंग शेयर्स ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर, हमें 15% प्रेफरेंस शेयर 13% प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दी। जर्नलाइज दी अब ट्रांजेक्शन, बैलेंस शीट इसकी नहीं आती इस वाले चैप्टर की, तो इसमें ड्रॉ द बैलेंस शीट ये नहीं है, इसको नहीं करना मुझे। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ये अभी बात की कैलकुलेशन है, आपने कितने डिबेंचर इशू करे, 2,000 और कितने का था, 500, लेकिन इशू कितने में करा, 470, ₹25 डिस्काउंट का इशू करा आपने। तो एंट्री देखिए क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर।
2000 × 500 10 लाख, 2000 × 475 9,50,000, और 2000 × 25 50,000 रुपये। ये तो हो गई हमारी ये वाली एंट्री। फिर ये कौन सी डेट को एंट्री हुई थी? 1 अप्रैल 2011 को। 31 मार्च 2012 को इनका इंटरेस्ट ड्यू हो गया, लेकिन हमने पे नहीं किया। अगर हम पे करते तो एंट्री क्या होती? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन हमने पे नहीं किया तो क्या करा हमने? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो खर्चा था या जो लॉस था उसको हमने लाइबिलिटी बना दी क्योंकि हमने पे नहीं किया। कितने की डिबेंचर है? 10 लाख के से 12%, तो 1,20,000 रुपये आ गया। जब हमने ये इंटरेस्ट पे नहीं किया तो उसमें से 100 डिबेंचर बोलते हैं कि हमें प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ डिबेंचर की लाइफ कितनी थी? क्या इज टू बी रिडीम ऑन 1 अप्रैल 2014, लेकिन इन्होंने तो 2012 में बोल दिया हमें कि हमारे को रिडीम कर दो। तो अगर ये टाइम से पहले रिडीम करते हैं तो हम इसमें डिस्काउंट का अमाउंट काटेंगे उनका, हम उसको पूरे 50,000 रुपये नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 डिबेंचर थे तो एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी? 500, तो 500 × 250,000 रुपये। आप टाइम से पहले रिडीम करवा रहे हो या कन्वर्ट करवा रहे हो तो हम अपना डिस्काउंट का पैसा काटेंगे, हम आपको पूरे 50,000 रुपये नहीं देंगे। तो 100 × 25 रुपये का डिस्काउंट तो मैंने काट लिया, तो मैंने इनको कितने पैसे का पे करना है? 47,500। और मैंने क्या कहा था? मैं प्रीमियम पे इशू करूंगा 100 × 25, 100 वाला फिर 25 रुपये प्रीमियम, तो 125 रुपये। तो कितने रुपये देने हैं इनको? 47,500 डिवाइड बाई 125, तो इनको कितने शेयर इशू करूंगा प्रेफरेंस शेयर? 380, तो 380 × 100 38,000। प्रीमियम कितना हो गया? 380 × 25, तो ये टोटल कितना बन गया? 47,500, वही पे करना था हमने। तो एंट्री देखिए क्या होगी ना, लास्ट एंट्री सारी एक ही दिन पे एंट्री हो रही है ये 31 मार्च को ही। 12% डिबेंचर कितने के कम हो गए? 50,000 के। हमने इनको प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करे? 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 38,000, जो अमाउंट अभी हमने ऊपर निकाला। 2 SPR 9,500, और जो 2,500 हमने इसका डिस्काउंट का, जो हमारा पहले यहाँ पर लॉस हो रहा था 50,000 के अंदर, वो 2,500 रुपये यहाँ आ गए, क्योंकि जो लॉस था वो हमारा लॉस नहीं क्योंकि इन्होंने पहले ही रिडीम करवा लिया ये 2,500 का। और जो इंटरेस्ट होता है वो अल्टीमेटली, क्योंकि हम PNL अकाउंट वगैरह जो भी बनाते हैं वो सारा हमारा एक्रूअल बेसिस पे बनता है, तो 1,20,000 का जो इनका लॉस था हम किसमें ट्रांसफर कर देंगे? देखिए मैंने लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ PNL टू डिवेंचर इंटरेस्ट 1,20,000। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर कि इसके अंदर ये कन्वर्जन हो रही है, बट कन्वर्जन कब हो रही है? बिफोर ड्यू डेट। अगर बिफोर ड्यू डेट होगा तो हम डिस्काउंट का पैसा पहले काट लेंगे, क्योंकि हम उनको इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई हम उनको पूरे 50,000 देंगे, हम कहेंगे तुमने टाइम से पहले इसको कन्वर्ट करवा लिया। अगर हम तुम्हें 2014 को पे करते तो हम बार पे रिडीम करते हैं, लेकिन तुमने पहले ही करवा लिया तो मैं अपना डिस्काउंट का अमाउंट तुमसे डिडक्ट कर लूंगा, तो ये पॉइंट हो गया। और प्रीमियम पे इशू कर दिए। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टिल हियर, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कन्वर्जन का है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा उसका कन्वर्जन का, तो उसको स्टार्ट करते हैं। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बट इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। सो लेट अस डिस्कस केस बाय केस। लेट मी जूम इट फर्स्ट लिटिल बिट। पहले एक ही केस डिस्कस करते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस फॉर कन्वर्जन। A company gave notice of its intention to redeem its outstanding 4,06% debenture at 102, तो 2% प्रीमियम पे हो रहा है क्योंकि 102% पे बोल रहा है। Offer the holder to share the following two options to apply for redemption money to subscribe। उन्होंने ऑप्शन दिया कि या तो 5% cumulative preference share में कन्वर्ट हो जाए 20 रुपए के, जिसको हम इश्यू कितने पे करेंगे? 22.5 रुपए में, तो प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं। या तुम दूसरे डिबेंचर में कन्वर्ट हो जाओ, जिसको हम कितने में इशू करेंगे? 96% पे। थर्ड, टू हैव देयर होल्डिंग रिडीम फॉर कैश, या तो तुम कैश में रिडीम हो जाओ। अब इन्होंने ऑप्शन दे दिया हमें 4 लाख रुपए 4 लाख वाले डिबेंचर से, उसमें से 1,71,000 रुपए वाले जो डिबेंचर होल्डर थे वो उन्होंने ऑप्शन ए ले लिया शेयर वाला। होल्डर ऑफ 144 वालों ने बी ले लिया और सी रिमेनिंग वालों ने ले लिया। तो लेट अस स्टार्ट। कितने ऑप्शन वालों ने ए लिया है? 171 वालों ने। तो 171 वालों ने लिया और हम उन्होंने क्या मांगे? प्रेफरेंस शेयर। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो पहले तो रिडीम किस पे होंगे? ये
रिडीम होंगे किस पे, प्रीमियम पे, क्योंकि 102.2% का प्रीमियम लगेगा। तो देखो क्या करा है, 1,71,000 पहले ड्यू के एंट्री पास करी, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2%, इसका 2% निकाला, 3,420 टू डिबेंचर होल्डर, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम डिबेंचर होल्डर को क्या पे कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर, तो हम क्या, और हम कितने पे इशू कर रहे हैं, 20 का शेयर 2,250 रुपये, तो निकलेगा वैसे ही सेम। कितने अमाउंट देना है, 1,74,420 डिवाइडेड बाय 22.50, क्योंकि हमारा इशू प्राइस ये है, तो हम उनको कितने शेयर इशू करेंगे, 7,752। तो देखिए वो आगे डिबेंचर होल्डर दिस 2.5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 1,55,040 टू SPR 19,380। कैसा आएगा 19,380, कितने रुपए का प्रीमियम आप चाहिए, 20 का 22.5 में दे रहे हो, तो 2.5 रुपए का प्रीमियम हो गया, और कितने प्रेफरेंस शेयर है, 7,752 इंटू 2.5, तो 19,380। और ये 7,752 कैसे आया, हमें कितने शेयर देने थे, कितना अमाउंट देना था उनका, 1,74,420 डिवाइडेड बाय कितने रुपए में इशू कर रहे हैं हम इनको, 22.5 रुपए में, तो 7,752 ऐसे आएगा। ये हम कई चैप्टर्स में कर चुके हैं वाला पॉइंट अब ऐसे। तो अब जो 1,44,000 वाले थे वो कहते हैं ऑप्शन बी कि हमें तो 6% डिबेंचर ही दे दो, 96% कंपनी कहते हैं हम तुम्हें डिस्काउंट में देंगे नए वाले डिबेंचर। तो पहली एंट्री तुम्हारी यही होगी, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, अमाउंट में चेंज आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1,41,000, तो देखिए यही आया हुआ है, सॉरी 1,44,000, 41 नहीं है 44, 1,44,000 प्रीमियम इसका 2%, इसी का 2% ये आ गया टू डिबेंचर होल्डर, ये आ गया। अब आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, तो अब अच्छा हमने कितने रुपए देने के, 146,880, तो इस केस में कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, 146,880 डिवाइडेड बाय 96, तो 96 से डिवाइड करोगे क्योंकि 100 का शेयर आप 96 में दे रहे हो डिबेंचर, तो 1,530, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, क्योंकि अब डिस्काउंट पे इशू करो तो डिस्काउंट डेबिट हो गया, तो 1,530 इंटू 100, 1,53,000, 146 पे करने थे और जो 4 रुपए का डिस्काउंट है 1,530 इंटू 4, तो 6,120 का डिस्काउंट आ गया। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। टोटल कितने के डिबेंचर थे हमारे पास, 4 लाख के, 171 वालों ने ऑप्शन ए ले लिया, 144 वालों ने ऑप्शन बी ले लिया, तो कहते हैं रिमेनिंग बचे 85,000 वाले, आप 4 लाख में से 171 और 144 माइनस कर देना, तो कहते हैं जो रिमेनिंग बच गए वो कहते हैं हमें तो कैश ही दे दो, हमें नहीं चाहिए ना प्रेफरेंस शेयर चाहिए ना डिबेंचर चाहिए। तो ठीक है, पहले हमने इसके एंट्री पास कर दी, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 85,000, प्रीमियम वही सेम 2% पे, तो 2% टू डिबेंचर होल्डर आ गया। और मैंने आपको क्या बताया था, आपको DRR कब क्रिएट करना पड़ता है, जब आप कैश में रिडीम कर रहे हो आउट ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट हमारे पास एडिक्वेट होता है, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट, कितनी फेस वैल्यू, तो 85,000, तो 85,000 कर दिया। फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक एंट्री पे कर दी, क्योंकि हमने इसको बैंक से पे किया है ना, इसमें कोई शेयर इशू करा ना डिबेंचर। प्लीज रिमेंबर DRR विल बी क्रिएटेड व्हेन इट इज इशूड इन कैश, आपने देखा सिंकिंग फंड वगैरह हमने DRR अकाउंट क्रिएट किया नहीं हमने, क्योंकि वहां पर फंड और इन्वेस्टमेंट से किया था, और जब हम कन्वर्जन बाय शेयर कर रहे हैं तो उसमें भी हमें DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट तो देखो ये वाला, ये रहा लॉस, प्रीमियम आप सीधा इस पे निकाल लो, आपने प्रीमियम वैसे तो निकाल के दिखाया हुआ है, ये रहा प्रीमियम 3,420 और ऊपर आपने ये दिखाया हुआ है 2,880 और ये दिखाया हुआ है 1,700, सबको प्लस कर दोगे तो 8,000 बनेगा। अगर ऐसे नहीं करना तो सीधा देखो 4 लाख थे ना टोटल, टोटल तुमने डिबेंचर रिडीम ही कितने करे हैं, 4 लाख, उसका 2% निकाल दो तो 8,000, वही बात है। लास्ट में हम किस में ट्रांसफर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L में, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिस्काउंट वाले को हम किस में ट्रांसफर करते थे, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो ये वाला पॉइंट था, तो कन्वर्जन के ये दो क्वेश्चन थे हमारे, बट अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसा कई बार पूछ लेते हैं वो। सो लेट अस कम ऑन टू द फोर्थ पॉइंट इन दिस, परचेज ऑफ डिबेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, और हम इसको ऐसे भी बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। कन्वर्जन का पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया,
इसी पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर हमें दोबारा वही अकाउंट बनाने हैं, वही सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और सिंकिंग फंड और डिबेंचर अकाउंट। तो सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इन्होंने डिबेंचर रिडेम्पशन फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट लिखा, बात एक ही है। लेकिन इसमें क्या है कि कंपनी ने अपने डिबेंचर खुद ही खरीद लिए थे मार्केट से, ताकि वो हम डेट से पहले ही कैंसिल कर दें। तो देखिए, सीवेज लिमिटेड हैड 18 लाख डिबेंचर्स, 14% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2011, रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2012। मतलब एक ही साल का बनाना है हमारे को, 1 अप्रैल 2011 का बैलेंस दिया हुआ है और 2012 में इसको रिडीम होना है। तो देखो, अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी डिबेंचर के अंदर 14% डिबेंचर के अंदर कितना आ गया, 18 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2011 डिबेंचर रिडेम्पशन फंड मतलब सिंकिंग फंड का बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है, 14,98,000। तो बाय बैलेंस बीडी सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में 14,98,000। ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर। देन इसके अंदर एक चीज चेक कीजिए आप, इसमें लिखा है 14,98,000 बने कैसे। ये 14,98,000 रिप्रेजेंटेड बाय ओन डिबेंचर, हमारे खुद के डिबेंचर पड़े हैं 2 लाख के डिबेंचर, परचेज दैट एन एवरेज वैल्यू ऑफ 99 पर डिबेंचर। तो इसका मतलब मैंने 2 लाख वाले डिबेंचर को है, मतलब अगर 100 रुपीज की एक वैल्यू हुई तो 2000 डिबेंचर को मैंने 99 में खरीद रखा है, और 10% डिबेंचर हमने 13 लाख रुपए में खरीद रखे हैं। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, ये हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि मैंने बताया था जितना फंड होगा उतनी इन्वेस्टमेंट होगी। तो आप चेक कीजिए, यहाँ बैलेंस बीडी लिखा हुआ अप्रैल 1 14,98,000, तो यहाँ पर भी इन्होंने लिख दिया, ये बना कैसे 14,98,000 टू बैलेंस बीडी, कैसे लिखा हुआ है ओन डिबेंचर, हमने खुद के डिबेंचर 1,98,000 में खरीदे हुए हैं, 2,000 × 99, 10% स्टॉक हमने कितने का खरीदा हुआ है, 13 लाख रुपए का। अब यहाँ एक चीज चेक कीजिए, एनुअल इंस्टॉलमेंट हम कितनी ट्रांसफर करते हैं फंड के अंदर, 1,42,000। ऑन 31 मार्च 2012 द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 12,93,600 एंड द डिबेंचर्स वर रिडीम। मैंने बोला था जिस दिन, जिस साल आप डिबेंचर रिडीम कर रहे होते हैं उस साल आप फंड से कोई भी इन्वेस्टमेंट में अमाउंट ट्रांसफर नहीं करते, ये आपने पहले भी देखा था वीडियो 1 में। तो सेम इस पॉइंट में होगा। अब यहाँ देखिए, ये इन्वेस्टमेंट पड़ी है हमारी, तो है तो डिबेंचर ही, अगर हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो हम जब सब इंटरेस्ट पे गए तो हम इस पे भी इंटरेस्ट पे करेंगे, क्योंकि वो डिबेंचर हमारी है। तो बाय बैंक अकाउंट, तो इंटरेस्ट कितना जाएगा मेरे पास, कितने 13 लाख का, 13 लाख पे 10%, क्योंकि अब चेक कर लीजिए 10% डिबेंचर स्टॉक एक्वायर किया हमने 10% इंटरेस्ट पे, तो कितना हो गया 1,30,000। और जो मेरे खुद के डिबेंचर थे, वो मैंने कैसे रिडीम करे थे, ये 2 लाख के डिबेंचर्स क्या थे 99, तो वो मेरे खुद के डिबेंचर है, ओन डिबेंचर, तो उस पर कितना इंटरेस्ट होगा 14%, तो 2 लाख का 14% कितना हो गया 28,000। और एनुअल आप ट्रांसफर कितना कर रहे हो सरप्लस के अंदर, 1,42,000। तो ये सारी वैल्यू समझ में आ गई आपको। अब एक मेन पॉइंट है इसके अंदर, ये चेक कीजिए, जिस दिन आपने रिडेम्पशन करनी थी आपने सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी, सारी इन्वेस्टमेंट का मतलब है 12,93,600, मतलब ये भार वाली इन्वेस्टमेंट बेची 13 लाख की, जो मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट होगी वो तो मैं, वो मैं अपनी 1,98,000 पे ही बेचूंगा। तो यहाँ पर एक चीज चेक कीजिए, बाय 14% डिबेंचर ओन डिबेंचर मैंने 1,98,000 के बेच दिए, और जो भार वाली इन्वेस्टमेंट थी वो कितने की बेच दी, 12,93,600। तो यहाँ से क्या निकल कर आया हमारा लॉस, जैसे क्यूमुलेटिव में 453 लॉस आ रहा था, यहाँ पर कितने का लॉस आ रहा है 6,400 का। तो ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में, और जो बैलेंस बचेगा वो हमारा किस में आ जाएगा, जनरल रिजर्व में, जैसे हम ट्रांसफर करते आ रहे हैं। बट मेन पॉइंट यहाँ पर एक हो रहा है, जनरली ये डिबेंचर अकाउंट और केसेस में कंप्लीट हो जाता था, कि बैलेंस बीडी या सीडी लिखते थे या डिबेंचर होल्डर लिखते थे। यहाँ देखिए 18 लाख के थे, यहाँ पर कुछ अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या करा आपने, 2 लाख के डिबेंचर आपने ले लिए थे, कितने रुपए में ले लिए थे आपने, आपके 18 लाख में थे, 2 लाख के डिबेंचर तो आपके खुद के हैं, लेकिन आपने वो परचेज कितने में करे थे, 1,98,000 में। तो आपने 2 लाख वाले डिबेंचर 1,98,000 में परचेज कर लिया, तो आपका 2,000 का प्रॉफिट था। तो लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा, कैपिटल रिजर्व का, तो ये 2,000 रुपये कैपिटल रिजर्व यहाँ आ गए। और जो रिमेनिंग पैसे जो 16 लाख रुपए थे वो आप किसको पे कर दोगे, टू डिबेंचर होल्डर। यहाँ पर ये वाला पॉइंट बस नया है,
और ये कैपिटल रिजर्व कहीं फंड फंड में ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि डिबेंचर का है, ये मेरे खुद के डिबेंचर है। और ये कौन सा है, रिडेम्पशन ऑफ, रिडेम्पशन वाला, तो रिडेम्पशन वाला मतलब 16 लाख के लिए बनाया गया है सारा केस, ये तो मेरे खुद के डिबेंचर है। तो अगर मैंने अपने ही डिबेंचर सिस्टम में खरीद लिए तो वो कौन सा प्रॉफिट होगा, नॉन ऑपरेशनल प्रॉफिट, तो वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो इसका टोटल पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो इसका पॉइंट यही था कि ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ चेक करनी है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट ये स्टार्टिंग से है हमारे पास, तो इसमें मुझे जब ईयर एंड होगा, जब हम रिडेम्पशन करेंगे, तो हमारे को इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट ये आ गया, एनुअल ट्रांसफर आप इतना करते हो तो ये आ गया, और जब आप इन्वेस्टमेंट बेचते हो इसकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी थी, जो फेस वैल्यू थी फिर वो उस पर बिकता। जैसे आपने भी नॉन क्यूमुलेटिव का भी किया था, अगर उसके अंदर कुछ नहीं बोलता तो हम उसकी पार वैल्यू पे ही बेचते हैं हम उसको, तो ये लॉस यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। मेन पॉइंट था ये वाला, और जो रिमेनिंग बाहर वाले डिबेंचर होल्डर है वो कितने, 16 लाख के। अब कुछ लोग कहते हैं कि 13% भी तो डिबेंचर, ये 13% मैंने कहीं और लगा रखे हैं, मैंने अपने डिबेंचर कितने के खरीद रखे हैं, 2 लाख के, बाकी 13% इन्वेस्ट, ये 10% इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं और कर रखी है जो 13 लाख रुपए की है, वो भी किसके लिए कर रखी है, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। तो ये होता है हमारा परचेज ऑफ डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर हमने कन्वर्जन भी डिस्कस किया और हमने इमीडिएट कैंसिलेशन भी कर लिया और नॉन क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड भी कर लिया। इसमें मैं अभी लास्ट पॉइंट अभी दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो 13 लाख की इन्वेस्टमेंट है ये मैंने बाहर की, हमारी ओन डिबेंचर की इन्वेस्टमेंट की थी, तो जो ओन डिबेंचर होगा वो ही यहाँ आएगा, बाहर वाला 13 लाख रुपए देखिए यहाँ कहीं नहीं आ रहा, वो तो एक आउटसाइड इन्वेस्टमेंट थी जो हमने सोल्ड कर दी। जैसे वो आपको क्यूमुलेटिव में बोल रहा था कि आपने 7,25,000 रुपए में बेच दी थी आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, तो ये वही वाला पॉइंट है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस ऑन दिस विद जर्नल एंट्रीज। थैंक यू वेरी मच। Thank you.